इंटरव्यू ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि ये एक टॉपिक नहीं है, ठीक है, ये एक पूरा यूनिट है। ये एक पूरा यूनिट है और आपको इसमें ये चीज याद रखना है ना कि ऐसा इसमें कोई टॉपिक नहीं है कि जिसमें बस आएगा और आप पढ़ लेंगे कि ये थ्योरी है, जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड वगैरह या सप्लाई वगैरह होती थी कि जिसमें हम डायरेक्टली टॉपिक पे आ जाते थे कि ये है लॉ ऑफ डिमांड, ये है थ्योरी ऑफ डिमांड, ये सब। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, ये एक पूरा यूनिट है, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, मतलब ये एक लंबा चलने वाला टॉपिक है और इसमें हर दिन हम लोग कुछ अलग एक अलग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इसका जो पार्ट था कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये हम लोगों ने पहले किया था, ठीक है, अगर आपको याद होगा, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन और सेविंग फंक्शन, ठीक है, ये तीनों भी इसी का ही पार्ट था, ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे पिछले क्लास में, ठीक है। आज अभी पिछले क्लास में जस्ट इसका इंट्रो दिया था मैंने आपको कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाऊंगी आपको, जिसको कुल मांग बोलते हैं, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या है। तो नॉर्मली जब हम डिमांड के बारे में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है, स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो इनकम हो चाहे वो डिमांड हो, वो एक इंडिविजुअल के लिए या एक हाउस होल्ड के लिए पढ़ते हैं, एक व्यक्ति के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, छोटे लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है ना सूक्ष्म, छोटे लेवल, और जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी तो उसमें हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे, डिमांड भी पढ़ेंगे तो वो कुल डिमांड होगी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड, वो पूरे नेशन के लिए पढ़ेंगे। तो अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ना थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम इंडिविजुअल या हाउस होल्ड किसी व्यक्ति के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आपका जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें मैंने जिस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से देखे हैं वो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है, एक एवरेज क्वेश्चन है, मगर मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि भाई एग्रीगेट डिमांड क्या है, एक क्वेश्चन तो उसके डेफिनेशन से ही था कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, और ऐसे चार ऑप्शन था, ठीक है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट विथ डेफिनेशन आपको समझना है। यहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आता, आप चाहे ऑफलाइन क्लास में चाहे ऑनलाइन क्लास में, देन एंड देयर आप चैट बॉक्स के थ्रू या माइक अनम्यूट करके अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, कोई भी डाउट लेके घर मत जाइए, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है। आज एग्रीगेट डिमांड पढ़ाए, फिर सप्लाई पढ़ेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप यहाँ पे डाउट लेके चले जाएंगे ना, फिर एंड जब इसका होगा किनीशियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर आपको वहाँ पे समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अभी जो टॉपिक है आप पिछले क्लास का, जो हम याद एक बार आपको थोड़ा सा कराते हैं, जो कि था एग्रीगेट डिमांड, और इसका हमने डेफिनेशन भी लिखा था कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में गुड्स एंड सर्विसेज पे, यानी वस्तु और सेवाओं पे टोटल जो आप खर्चा करते हैं, ठीक है, कुल जो आप खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला भी हम लोगों ने लिखा था कि एग्रीगेट डिमांड एडी, ये पिछले क्लास का है, इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है, ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले क्लास में लिखा था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर जो भी एक रेसिडेंट, ठीक है, यानी एक देश का वासी करता है ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन देयर गिवन लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि जब भी एक्सपेंडिचर की बात आती है, खर्चे की बात आती है, तो आपको इनकम को रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, क्योंकि ये नॉर्मल है कि अगर कोई ज़्यादा पैसे कमाता है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा पैसे खर्चा करता है, या कोई कम कमाता है तो वो कम खर्चा करता है। ये सारी चीज़ हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ी है, ठीक है। तो ये लास्ट था टॉपिक, ठीक है, अभी हम इसके आगे बढ़ेंगे, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, या जिसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, ठीक है, ये टॉपिक आप नेक्स्ट डालेंगे और इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, इसमें थोड़ा ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर एक टॉपिक के साथ आपको ग्राफ मिलेगा, और सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है ना कि अगर आप ग्राफ समझ ले तो फिर टॉपिक में कुछ बचता नहीं है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाता है कि अच्छा इसे ग्राफ ऐसे बना था, ठीक है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड का जो ग्राफ होता है, तो अगर आप ग्राफ ही समझ लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है या प्राइस डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें पहले हम लोग लिखेंगे थोड़ा, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे,
और उसके बाद इससे रिलेटेड जो ग्राफ है वो बनाएंगे, ठीक है। सो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, ये तो सबसे पहली बात जो है ना, एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड करती है, इनकम पे डिपेंड करती है। द फर्स्ट पॉइंट अबाउट एग्रीगेट डिमांड इज कि एग्रीगेट डिमांड जो है, ठीक है, वो इनकम पे डिपेंड करती है, यानी आपकी आय पे डिपेंड करती है। यानी इनकम अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड भी ज़्यादा होगी। ये अभी लिखेंगे भी हम, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। दूसरी बात, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर किसी इंसान की इनकम ज़ीरो भी होती है, ठीक है, वो भी उसकी जो डिमांड होती है वो ज़ीरो नहीं होती है। ये बात भी हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ी थी, ठीक है, जिसको ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर या स्मॉल ए से हम लोगों ने डिनोट किया था वहाँ पे, ठीक है। जैसे हम बोले कि अगर कोई व्यक्ति नहीं भी कमा रहा है, ऐसा नहीं रहेगा कि वो 24/7 भूखा है, वो कुछ खा नहीं रहा है, कुछ तो वो खा रहा है, कुछ तो वो डिमांड कर रहा है। अब वो उसकी पहले की सेविंग्स हैं, वो किसी से लोन लेके, किसी से उधार लेके कर रहा है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन इनकम अगर ज़ीरो भी हो तो भी डिमांड का एक मिनिमम लेवल होता है, ठीक है, ये आपको पॉइंट देखना है। मतलब हम लोग जब भी ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाएंगे ना ग्राफ पे, तो वो ज़ीरो से शुरू नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ आप वहाँ पे देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम बोले कि इनकम अगर ज़ीरो भी हो तो भी कुछ ना कुछ डिमांड होती है, कम ज़्यादा, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होती किसी की भी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन, ठीक है, लेकिन क्या है, जैसे आप मानिए कि पहले कोई 300 रुपीज़ अर्न कर रहा था, 300 रुपये कमा रहा था कोई, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या कर रहा था, 300 रुपये में तो कुछ बचाने का स्कोप है नहीं, तो वो पूरे 300 खर्चा कर दे रहा था। अब वो बंदा 500 कमाने लगा, ठीक है, तो 500 में भी कुछ सेविंग होने का चांस नहीं है, वो खर्चा कर दे रहा था। अब वो इंसान 1000 कमा रहा है, ठीक है, तो अब वो कुछ सोच सकता है, वो बोलेगा कि अच्छा ठीक है, 800 ही खर्चा करते हैं, 200 कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। अब वो 1500 कमाने लगा, ठीक है, तो वो बोलेगा 1000 खर्चा कर देते हैं। मतलब आप देखेंगे कि इनकम जब बढ़ती है, ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन एक हद तक। ऐसा नहीं होता है कि हम जो भी पैसा कमा रहे हैं वो सारा ही खर्चा कर देते हैं। खर्चा कर देना मतलब डिमांड करना, वो सेम चीज़ है। आप किसी चीज़ पर खर्च कर रहे हैं मतलब आप उसकी डिमांड कर रहे हैं, आप उसकी मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें दूसरा पॉइंट है आपको याद रखना है कि इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, लेकिन वो जो रेशियो होता है, जो रेट ऑफ राइज होता है इनकम और एग्रीगेट डिमांड का, ठीक है, वो सेम नहीं होता। मतलब इनकम ज़्यादा बढ़ती है और एग्रीगेट डिमांड कम बढ़ती है, ठीक है। और फिर एक पॉइंट के बाद एग्रीगेट डिमांड नहीं भी बढ़ती है, इनकम चाहे कितनी भी बढ़े, क्योंकि कंजम्पशन भी की भी तो एक लिमिट है ना, डिमांड की भी एक लिमिट है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको इसमें याद रखना है। चलिए अभी लिखिए एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, इसमें बस ये 3-4 पॉइंट्स आपको लिखना है, और फिर हम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बनाएंगे, यानी वो टेबल जिसमें सारे फिगर्स होंगे इनकम और एग्रीगेट डिमांड के, और फिर हम एक ग्राफ बनाएंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। लिखिए इसमें एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लेवल ऑफ इनकम पे एग्रीगेट डिमांड डिपेंड होती है। इसी में आगे, greater the level of income, comma, greater the purchasing power, purchasing power मतलब आपके पास पैसे ज़्यादा है, मतलब आपके अंदर आप ज़्यादा सक्षम हो गए सामान को खरीदने में, ठीक है, आपके अंदर वो पावर आ गया कि आप ज़्यादा खरीद सकते हैं, ठीक है। जो कम है, जो कम पैसे कमा रहा है, तो उसका पावर यही 300 रुपये तक ही लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन मानिए कोई डेली 10,000 कमा रहा है, ऑब्वियसली इस पर्सन के कंपैरिजन में उसका परचेजिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो ग्रेटर द परचेजिंग पावर, देयरफॉर ग्रेटर द डिमांड। अब लिखिए टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर टू बी नोटेड इन द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। और वो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, नंबर वन, देयर इज़ ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड इवन वेन द इनकम इज ज़ीरो, ठीक है। और ये जो होती है ना मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड, इवन वेन द इनकम इज ज़ीरो, उसको ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है, ये कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन में पढ़ा था। और जो फॉर्मूला था प्रोफेसर कीन्स का, उसमें इस ऑटोनोमस को हम लोग दिखाते हैं के से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसे कुछ क्वेश्चंस थे।
एंड में हम एमसीक्यूज भी करेंगे इस टॉपिक पे रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है, जितने हम कर पाएंगे आज क्लास में वो करेंगे, ठीक है. सो देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड इवन व्हेन इनकम इज जीरो फुल स्टॉप, बिकॉज फॉर सर्वाइवल वी मस्ट ईट समथिंग, ठीक है, वी मस्ट ईट समथिंग इवन व्हेन वी हैव टू बोरो फ्रॉम अदर्स, इवन व्हेन वी हैव टू बोरो फ्रॉम अदर्स और ड्रॉ फ्रॉम आवर सेविंग्स, और ड्रॉ यानी या तो आपको दूसरों से उधार लेना पड़े या आपकी जो पास सेविंग्स हैं, जो आपकी बचत है, उसमें से आपको पैसे निकालने पड़े, ठीक है. लेकिन आप डिमांड तो करेंगे, आप भूखे नहीं मर सकते, ठीक है. आपका डिमांड ऑब्वियसली नॉर्मल डेज से कम हो सकती है, लेकिन डिमांड होगी, डिमांड जीरो नहीं हो सकती, ठीक है. चलिए इसमें लिखेंगे अगला पॉइंट, एज इनकम इंक्रीजेस डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस. डिमांड की जगह पे एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप जो डिमांड, जितनी डिमांड आप कर रहे हैं, वो मेजर हम पैसे के टर्म्स में ही करते हैं, मॉनिटरी टर्म्स में करते हैं, तो वो आपका एक्सपेंडिचर भी है, ठीक है. तो एज इनकम राइजेस कॉमा डिमांड ऑल्सो राइजेस, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम इज रीच्ड, पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, ठीक है. जैसे अब यहाँ पे देखिए, और ये टेबल भी हमने पिछले क्लास में किया था, यहाँ पे सेविंग्स जीरो जीरो, यहाँ पे 200, यहाँ पे 500, और ऐसे अगर आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे ना कि इनकम बढ़ रही है, तो आप देखेंगे कि कंजम्पशन का या एक्सपेंडिचर का या डिमांड, आप जो भी बोलिए, उसका जो रेट होगा, ठीक है, यानी आपकी जो मांग बढ़ने की दर होगी, ठीक है, वो आपके आय बढ़ने की दर से ज़्यादा होगी, ठीक है. और ये अगर हम और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि सेविंग्स बढ़ रही हैं. इसके लिए एक टेबल भी मैंने आपको बनवाया था शायद पिछले क्लास में, आपके पास होगा, जिसमें ये चीज़ हमने क्लियर की थी कि यहाँ पे सेविंग जीरो है, ठीक है, यहाँ पे वन है, मोर देन वन है, कैसे इंक्रीज होती है कंजम्पशन और सेविंग, इसका रिलेशन, इस पर एक हमने टेबल बनाया था, ठीक है. तो इसको लिखिए और इसी में लिखिएगा, और The rate at which income increases exceeds the rate at which expenditure increases. अभी हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे डिमांड स्केड्यूल, एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल. वो कुल मांग तालिका बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल, ठीक है, तो कुल मांग तालिका इसको बोलते हैं. तो यहाँ पे जब भी जैसे नॉर्मल डिमांड जब हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत मांग के बारे में जब पढ़ते थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, तो वहाँ पे हम लोग मांग को जो भी प्राइस होता था मार्केट में, ठीक है, जो दाम होता था उसके रेस्पेक्ट में लिखते थे. यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है उसको हम लोग इनकम के रिस्पेक्ट में दिखाएंगे कि इनकम के बढ़ने या घटने से एग्रीगेट डिमांड पे क्या असर पड़ता है, ठीक है. तो एक टेबल बनाते हैं अभी इस पर. दो कॉलम बनेंगे इसमें, एक इनकम का, एक एग्रीगेट डिमांड का, ठीक है, यानी आय का और कुल मांग, तो इसमें बनेंगे. और ये एक तरह से आप देखें तो कंजम्पशन फंक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, ठीक है, उसका ही रिपीटेशन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के रेस्पेक्ट में.
ये दो बनाएंगे, एक इनकम बनाएंगे और एक एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे हम मान रहे हैं कि ये इनकम जो है ठीक है वो भी हम इन करोड़्स दिखा रहे हैं और एग्रीगेट डिमांड भी इन करोड़्स दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरी इकोनॉमी पूरी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ऑब्वियसली जब इतना सारा आप अमाउंट जोड़ देंगे तो वो फिगर बड़े नंबर में आएगा। जीरो, टेन, ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी, फिफ्टी, सिक्सटी। ये है आपका एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल। अभी इसी से हम एक डिमांड कर्व भी बनाएंगे, एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाएंगे, इनकम और एग्रीगेट डिमांड को दिखाएंगे ठीक है। और आपको आना चाहिए ये चीज़ ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जब भी इस तरह का टेबल रहे तो आपको ये चीज़ आना चाहिए, ये प्रोसेस आना चाहिए कि आप उसको एक ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट इस तरह के स्केड्यूल्स और ग्राफ्स ठीक है। और ये इजी भी हो जाता है, मतलब एक दो पेज आप पूरा थ्योरी लिखें ठीक है, और उससे बेटर होता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए अगर सिर्फ एक स्केड्यूल और ग्राफ बना लेते हैं, और अगर आपको समझ है कि ग्राफ को कैसे रीड करते हैं या स्केड्यूल और ग्राफ को कैसे रिलेट करते हैं, तो कोई भी टॉपिक इकोनॉमिक्स का बड़े से बड़ा टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ठीक है। इवन अगर आपको याद होगा जब हम लोग मार्केट्स के बारे में पढ़ रहे थे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट ठीक है, बाजार के स्वरूप कि क्या होता है, एकाधिकार ठीक है, इस तरह से, तो उसमें भी ग्राफ्स और टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जैसे प्राइस डिटरमिनेशन था या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था, जो भी इस तरह के टॉपिक्स थे सब में ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ठीक है। तो अभी ये आपको कॉपी कर लेना है, और इसमें जो चीज़ अभी हम लोग लिखे, जो पॉइंट्स लिखे वो आपको दिखेगा। पहला पॉइंट जो हम लोगों ने लिखा था कि देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड इवन व्हेन इनकम इज जीरो, तो आप इस टेबल के इस पार्ट से देख सकते हैं ठीक है कि इनकम जीरो है लेकिन तो भी एग्रीगेट डिमांड है वहाँ पे 20 करोड़ की ठीक है, हाइपोथेटिकल फिगर्स, इमेजिनरी फिगर्स है ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि ठीक है इनकम जैसे जैसे बढ़ती है डिमांड भी बढ़ती है ठीक है, तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इनकम बढ़ रही है, ऑब्वियसली डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन आप देखेंगे कि इनकम जो यहाँ पे बढ़ने का हमने इंटरवल लिखा है कि वो 10 करोड़ इनकम बढ़ रही है हर एक लेवल पे ठीक है, लेकिन अगर आप एग्रीगेट डिमांड देखेंगे तो वो आप देखेंगे कि 5-5 का डिफरेंस है ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे थे कॉपी पे, जो अभी आपको इस ग्राफ से दिख रहे हैं ठीक है। अभी हम इसका एक ग्राफ बनाने वाले हैं ठीक है, एग्रीगेट डिमांड और इनकम का ग्राफ बनाने वाले हैं ठीक है। अगर आप बना सकते हैं अपने से तो आप ट्राई करिए कॉपी में बनाने का ठीक है, बाकी हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो आप उसको देख के फिर कॉपी करेंगे, और उसमें भी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि क्या होता है।